सुशील कुमार शिंदे जी एक ऐसे राजनेता हैं जो राजनीति नहीं करते, हर एक जो भी काम करते हैं जिस निष्ठा से काम करते हैं। सुशील कुमार शिंदे सभी जाति धर्म और वर्ग के लोगों को साथ लेके चले। कहीं सलाह लेनी है तो शिंदे साहब ही ऐसे बचे हैं कि जिनके पास हम जाकर सलाह ले सकते हैं, उनका गाइडेंस ले सकते हैं। सुशील कुमार शिंदे जी के जीवन में जो दिखाई देता है, एक तो उनका चारित्र शुद्ध आचार है, शुद्ध विचार है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है। नेचर ऑफ श्री सुशील कुमार शिंदे इज एफेबल, लविंग एंड केयरफुल टू एवरीवन। जहाँ कुदरत अपनी बुलंदियों की सीमा तय करती है, जहाँ हर भाषा का शब्दकोश अपना आखिरी शब्द गढ़ता है, जहाँ लेखक अपनी कल्पनाओं को विराम देता है, जहाँ ब्रह्मांड का अंतिम सूरज दमकता है, वहाँ ईश्वर अपनी अलौकिक शक्ति से गढ़ता है हाड़ मास का एक ऐसा पुतला जो ममता की छांव में पलकर रचता है इंसानियत का वो ग्रंथ जो पूरे मानव संसार को एक नए मायने देता है। दुनिया का हर इंसान भविष्य के अंधेरे में अपने कर्म के मानिंद जीता है, क्योंकि किस पल उसका भाग्य बदलेगा कोई नहीं जानता। हमारे कर्म प्रधान समाज में कर्मठ व्यक्ति ही नई और अनोखी दास्तान लिखते हैं जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। माँ जन्मदात्री हो या सौतेली, वो अपने बच्चों में सफलता के बीज जरूर डालती है। जीजाबाई ने नन्हे शिवाजी में शूरता और स्वाभिमान के संस्कार दिए, और शिवाजी ने माँ की गोद में खुली आंखों से माँ का सरोकार देखकर स्वराज्य स्थापित किया। भीमराव अंबेडकर की माँ ने अपने मायके की अमीरी के घमंड को तोड़ने के लिए शपथ ली कि जब तक मैं घर के आंगन में नोट सुखाने की हैसियत नहीं बनाऊंगी, तब तक मैं मायके नहीं जाऊंगी। ऐसे सुसंस्कार में पले बढ़े अंबेडकर देश के संविधान निर्माता बने। मां पुतली भाई ने गांधी जी को जो शिक्षा दी थी कि एक बार लिए गए व्रत को तोड़ना नहीं चाहिए, महात्मा गांधी ने अपनी मां की शिक्षा पर ता उम्र अमल किया और आज वो हमारे माननीय राष्ट्रपिता हैं। अपनी सौतेली मां के प्रोत्साहन से ही अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। शायद कम ही लोग जानते हैं कि उनकी मां रात को चूल्हा जलाकर रोशनी किया करती थी ताकि लिंकन पढ़ाई कर सके। कई बार ऐसा भी हुआ कि रात को वो खाना नहीं बनाती थी मगर चूल्हा जरूर जलाती थी ताकि लिंकन को पूरी रोशनी मिल जाए पढ़ने के लिए। दो माओं के साए में पले बढ़े ऐसे ही पहलुओं से सराबोर है हमारे इस फिल्म के नायक सुशील कुमार शिंदे। अंधेरे से उजाले की ओर 4 सितंबर 1941 को महाराष्ट्र सूबे के सोलापुर शहर की ढोर गली में रहने वाले एक साधारण परिवार में जन्मे मां ने प्यार से उनका नाम रखा दगड़ू। दगड़ू नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे मर्म और दर्द भरी दास्तान है। दगड़ू के पिताजी संभाजी राव की पत्नी कृष्णाबाई ने कई संतानों को जन्म दिया मगर वो जन्म के कुछ दिनों बाद ही मृत्यु का वरण कर लेते। संभाजी अपने वंश वृक्ष को लेकर चिंतित थे। कृष्णाबाई के दबाव और आग्रह पर संभाजी राव ने अपनी छोटी साली सुकुबाई से विवाह कर लिया। दोनों सगी बहनों ने परिवार में खुशनुमा माहौल बनाया और फिर जन्म हुआ एक पुत्र का। अपने पुत्र की दीर्घायु कामना करते हुए माँ कृष्णाबाई ने उसका नाम रखा दगड़ू। दगड़ू यानी पत्थर, शिलाखंड, कठोर। दगड़ू की परवरिश दोनों माताओं के लाड़ प्यार में होने लगी।
अभी बालक दगड़ू ने 6 सावन ही देखे थे कि पिता का साया सिर से उठ गया। तब वक्त ने अपनी शतरंजी चाल से पूरे परिवार को झकझोर के रख दिया। गरीबी मुंह बाए खड़ी थी और ऐसे में समाज ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था। बाल मन और स्वादिष्ट मिष्ठान हर बालक का मन मोह लेता है, परंतु यदि जेब में पैसा ही ना हो तो दुकान की तरफ जाना ही कैसा। मगर दगड़ू अपने मन को समझा नहीं पाता था और मंडराने लगता मिठाई की दुकान के आसपास। पिताजी के समय घर में अमीरी थी। काफी लाड़ में पले दगड़ू को पिताजी के गुजर जाने के बाद सभी आदतें एकदम बंद करने की और बाल मन को समझाने की उनकी उम्र नहीं थी। दलित बस्ती में दगड़ू एक रोज फेरी वाली बाई के टोकरे से सामान चोरी करते पकड़ा गया। माँ को पता चला तो माँ ने जम के पिटाई की और ईश्वर के सामने शपथ दिलवाई कि जीवन में कभी चोरी नहीं करेगा। बस वो दिन था कि आज का दिन माँ को दिया वचन बखूबी से निभा रहे हैं। आर्थिक विसंगतियों से जूझ रहे परिवार की मुखिया माँ ने बेर और गन्ने बेचकर 2 जून की रोटी का इंतजाम किया। उसका दगड़ू कहीं वक्त की रफ्तार में पीछे ना रह जाए, यही चिंता माँ को सताती रहती थी। पिताजी के गुजर जाने के बाद दगड़ू को डांटने वाला कोई नहीं था। वो आवारा बच्चों के साथ भी समय बिताने लगा। अशिक्षित होने पर भी दोनों माँ दगड़ू को श्रवण बाल रामायण की कथा सुनाती थी। इसका दगड़ू पर बड़ा असर पड़ा और सही रास्ते पे चलने लगा। स्वयं ही बर्फ का गोला, लेमन गोली, अगरबत्ती बेचना शुरू किया और कमाई के पैसे माँ को देने लगा तथा इसमें से खर्च करने के लिए पैसे माँ से मांग कर लेने लगा। सोलापुर में सोनूबाई आवटे के ब्राह्मण परिवार की बच्चियों की देखभाल के लिए 10 रुपए माहवार पाने वाले शिंदे 5 किलोमीटर पैदल चलकर आते तो रास्ते में विद्या मंदिर रात्रि पाठशाला को देखकर वो अक्सर सोचते कि क्या उनके नसीब में भी शिक्षा दीक्षा है कि नहीं। एक दिन मन में विश्वास और साहस लिए वो पहुंच गए हेडमास्टर के पास। बच्चे की लगन और साहस देखकर हेडमास्टर ने पढ़ने की अनुमति दे दी। देर से ही सही, परंतु माँ सरस्वती का सानिध्य शिंदे जी को मिल ही गया। आर्थिक विसंगतियों से जूझते शिंदे ने लालटेन और लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई की और वाडिया अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी की और पार्ट टाइम लेडीज क्लब में ऑफिस बॉय का काम किया। 3 सालों से 10वीं फेल हो रहे दगड़ू का 4थे साल में 10वीं के रिजल्ट में उनका नाम छपा तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। अंग्रेजी विषय की कमजोरियों को सुधारने की जिद पकड़कर आगे अंग्रेजी माध्यम में बीए राजनीति शास्त्र विषय में प्रथम आके दिखाया। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, ना ही दगड़ू के लिए ठहरा। गरीबी की तंगी ने उसे शोलापुर के कोर्ट तक पहुंचाकर पट्टे वाला चपरासी बना दिया। कॉलेज में पढ़ने वाला शिंदे न्यायालय में पट्टे वाले की नौकरी करता है, ये कॉलेज में कोई नहीं जानता था। एक दिन तत्कालीन मशहूर सैयद काजी का मुकदमा, जिस पर कई लड़कियों को फंसाने का आरोप था, उसकी कार्यवाही देखने अन्य लोगों के साथ उनके कॉलेज की लड़के लड़कियां भी वहां पहुंचे, जिसमें वो लड़की भी मौजूद थी जिसे शिंदे जी मन ही मन चाहते थे। पट्टे वाले शिंदे ने हाजिर हो 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 की पुकार जो लगाई तो सामने उस लड़की पर नजर पड़ी, मगर बिना विचलित हुए उन्होंने अपने कर्तव्य को अंजाम दिया। एक ओर मान सम्मान था और दूसरी ओर कर्तव्य। अगर उस रोज कर्तव्य कमजोर पड़ जाता तो शायद एक आम आदमी की तरह भीड़ में कहीं खो जाता। सुशील कुमार शिंदे अपनी इसी जिंदगी में खुशियां तलाशने लगा, पर शायद वो अपने लिए न सही मगर दूसरों को खुशियां बांटने का काम करने लगा अपने अभिनय के माध्यम से। शिंदे ने 1961 में कॉलेज में नाट्य मंच पर कदम रखा और कई नाटकों में नाम कमाया। मुंबई ची मांड से घरा बाहेर, करायला गेलो एक, बेबंद शाही
बेगल व्यच्या मला मिनुची मावशी प्रेमा तुझा रंग कसा नामक नाटक में मुख्य भूमिका बच्चों की आपने अदा की और सुख ख्याति पाई। वक्त करवट बदल रहा था और सन 1965 में दगड़ू ने स्नातक की उपाधि लेकर माँ के सपनों को सार्थक किया। 6 दिसंबर 1965 को वही दगड़ू अब सुशील कुमार शिंदे के नाम से जाना जाने लगा। दगड़ू से सुशील कुमार के नामकरण का भी एक रोचक इतिहास है। ये उस समय की बात है जब सुशील कुमार शिंदे आचार्य अत्रे के डायरेक्शन में लखनाची बेडी मराठी ड्रामा में डॉक्टर कांचन की भूमिका अदा कर रहे थे। उस समय आचार्य अत्रे जी की कलम से लिखा गया उनका नाम सुशील कुमार। तब से आज तक आप इसी नाम से जाने जाते हैं। उस वक्त माँ की आंखें खुली और मारे खुशी के छलक पड़ी जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र मुंबई सीआईडी में सब इंस्पेक्टर बन गया है। मन में लालसा थी कि सरहद पार जाकर राष्ट्र की सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित करूं। पाकिस्तान का युद्ध शुरू था। पुणे विद्यापीठ के कुलगुरु काका साहेब गाडगिल के नेतृत्व में पाकिस्तान के विरोध में एक मोर्चा निकला। उसमें शिंदे जी भी शामिल थे। पर विधाता ने तो महाराष्ट्र में रहकर ही कर्तव्य परायणता लिखी थी, तो शिंदे ने सन 1969 में LLB पास करके कानून में उपाधि हासिल की। जिस कोर्ट में पट्टे वाले का काम किया, वहीं पर वकील बनने की जिद को भी अंजाम दिया। सुधीर वैद्य एक ब्राह्मण परिवार से थे, मगर सुशील कुमार शिंदे के मित्र थे, सो घर आना जाना लगा रहता था। सुधीर वैद्य की बहन उज्ज्वला शिंदे को कब भाग गई उन्हें पता ही नहीं चला। मुंबई के दादर में रहने वाली ब्राह्मण परिवार की उज्ज्वला वैद्य के प्रेम पाश में बंधे शिंदे कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाए। ये एक संयोग ही था कि अपनी ही जाति की जिस लड़की से शिंदे की मंगनी होनी थी वो महामारी का शिकार हो गई। तब शिंदे का युवा मन वैवाहिक सुख की कल्पना छोड़ चुका था, परंतु विधाता ने एक नया संयोग रचा। अचानक एक रोज बस में सफर करते वक्त उज्ज्वला वैद्य से मुलाकात हुई। विरह वेदना अकेलेपन की दास्तां खत्म करते ही शिंदे ने उज्ज्वला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। दिन तय हो गया 1 मई। सौभाग्यवश 1 मई महाराष्ट्र दिवस भी है। फूले शाहू अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले शिंदे जी ने इन महापुरुषों के विचारों का आचरण करते हुए केवल 70 रुपए विवाह पर खर्च किए। अंतरजातीय विवाह की ये अनूठी मिसाल आज भी कायम है। नियति अपने रंग बदलने में लगी हुई थी। प्रिय राजनीतिक मित्र लेले शरद पवार और बाद में पत्नी से पूछ के 6 नवंबर 1971 को शिंदे ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ते ही कांग्रेस फोरम के निमंत्रक के रूप में कार्यरत हुए। वजह साफ थी। शिंदे अपनी किस्मत राजनीति में आजमाना चाहते थे, परंतु हुआ कुछ उल्टा ही। राजनीतिक शतरंजी बिसात पर अभी पहली ही चाल चली थी कि बाजी हाथ से निकल गई। टिकट मिला और कट गया, फिर भी हौसले बुलंद थे। वक्त ने गिरगिट की तरह रंग बदला, पर नहीं बदला तो वो माँ का आंचल। माँ का साया हमेशा सुशील कुमार शिंदे का हौसला बढ़ाता रहा। लेकिन अंतरजातीय विवाह, एक बच्चा, नौकरी चली गई, लेकिन शिंदे डगमगाए नहीं। वकालत की डिग्री तो हासिल की हुई थी। दादर में नची केलकर रोड पर पतरे की छत बनाकर वकालत शुरू की। शिंदे जी का जहां से टिकट कट गया था उसी करमाला चुनाव क्षेत्र से विधायक का निधन हो गया और दोबारा उसी जगह से शिंदे को टिकट मिल गया। माँ के आत्मविश्वास और आशीर्वाद का फल था कि सोलापुर जिले के करमाला विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव, जहां से सुशील कुमार शिंदे ने पहली बार अपना राजनीतिक जीवन दांव पर लगाया और 23 अप्रैल 1974 को विजय श्री को वरण किया और पहन लिया राजनीति का जामा। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसंतराव नाइक ने 34 वर्षीय युवा विधायक शिंदे की काबिलियत को राज्य मंत्री यूथ ऑफिसर ट्रांसपोर्ट मंत्री का जामा पहनाकर जो संकेत दिया,
वो आज भी ध्रुव तारे की भांति राजनीति के क्षितिज पर अटल होकर चमक रहा है। काम करने के करने वाले के लिए जो भी काम करते हैं वो पद उनको बड़ा करता है, मगर कई कई लोग ऐसे रहते हैं वो काम करते हैं और पद को भी बढ़ाते हैं, पद की शान भी बढ़ाते हैं, तो उन लोगों में से सुशील कुमार एक है। 4 जनवरी सन 1978 की सुबह कांग्रेस के युवा मंत्री के द्वार पर एक दुखद दिन बन के आया। जो माँ अपने लाल को बड़ा होने का जोश दिया करती थी, वो माँ कृष्णा भाई पंच तत्वों में विलीन हो गई। माँ का साया उनके सिर से चला गया। असंस्कारित दलित बस्ती की ढोर गली, ऐसे ही अनेक दृश्य थे जो शिंदे की खुली आंखों के सामने बार बार आ रहे थे, क्योंकि माँ कृष्णा भाई ने कभी भी शिंदे को सौतेली माँ होने का एहसास तक नहीं होने दिया। वैसे भी स्तुति है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी भी कुमाता नहीं होती। महाराष्ट्र में शिंदे जी अपने काम काज की वजह से लोकप्रिय मंत्री बने। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदर्श युवक गौरव बसव भूषण पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। मुख्यमंत्री बनने के अनेक अवसर आए और चले गए। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता। सन 1985 की 11 जुलाई को जननी सुखुबाई ने भी साथ छोड़ दिया। जीवन की नैया हिचकोले खाती रही, लेकिन कर्मयोगी अपने पथ पर चलता रहा। शिंदे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 2 बार बने। इस दौरान युद्ध स्तर पर महाराष्ट्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता को एकजुट किया। अतीत जहां संघर्षों से निखरता है, वहां ये अनुकरणीय और प्रेरणादायी होता है। द स्टोरी ऑफ श्री सुशील कुमार शिंदे इज द स्टोरी ऑफ ए पर्सन ऑफ अनडोमिटेबल स्पिरिट, टोटल कमिटमेंट, करेज एंड कन्विक्शन। The struggle in his life did not make him cynic. Rather, it widened his horizon to encompass all. सुशील कुमार शिंदे साहब से मेरा 20 साल पहले संबंध आया। उनके जीवन में जो मुझे दिखाई दिया कि इतना सामान्य घर का आदमी 10 रुपया महीना में मिलता है, ऐसे एक छोटी सी नौकरी करने वाला आदमी वो मुख्यमंत्री बन गया और आज वो भारत का गृह मंत्री बन गए। सुशील कुमार शिंदे एक व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है। सरपीली राहों से गुजरने के आदि हो चुके शिंदे साहब की मुस्कान के कायल तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी, उसी का नतीजा था कि महाराष्ट्र में 12 जनवरी 1987 को जीरो बेस बजट तैयार किया। महाराष्ट्र सूबे में 9 बार बजट पेश करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद इसके बावजूद मंजिल अभी दूर थी। राजीव गांधी ने 1985 में यूएनओ की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर कंबोडिया पर और नॉन अलाइनमेंट पर जनरल असेंबली में भारत देश का प्रतिनिधित्व संबोधन करने के लिए अपने साथ ले जाने हेतु पूरे देश से सिर्फ शिंदे जी को ही चुना। कोल्ड वॉर का गलत मतलब समझने और समझाने वाले शिंदे ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण अंग्रेजी में देकर भारत देश की बात रखी। मिस्टर प्रेसिडेंट एंड योर एक्सलेंसीज, India has historically enjoyed close cultural, social, intellectual, and linguistic links with the countries in Southeast Asia and has always sought to maintain friendly and cordial relation with them. महाराष्ट्र प्रांत में अपनी अलग पहचान बना चुके शिंदे ने राजनीति में रहते हुए कभी भी कुटिल चाले नहीं चली। शायद यही कारण था कि श्वेत धवल राजनीतिज्ञ को सन 1992 में राज्यसभा में विस्थापित कर दिया गया। पक्ष और विपक्ष के सभी राजनीतिज्ञों को साथ लेकर चलने की इच्छा शक्ति ने शिंदे को भारतीय राजनीति में
एक नई पहचान दी जो आज भी कायम है। सुशील कुमार शिंदे बहुत ही सोच समझ के काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी दृष्टि सर्वंकष होती है और वो सब लोगों को किस प्रकार से साथ में ले जाना ये अच्छी तरह से जानते हैं और किसी काम को बिगड़ने नहीं देना, इसको ध्यान में रखकर वो काम करते हैं कि उनके मन में किसी के बारे में ऐसा भाव नहीं होता है जिसको हम शत्रुत्व का भाव कह सकते हैं। सुशील कुमार शिंदे जी एक ऐसे राजनेता हैं जो राजनीति नहीं करते। हर एक जो भी काम करते हैं, जिस निष्ठा से काम करते हैं, वो इसलिए नहीं देखते कि उनको राजनीतिक लाभ होगा। तो सुशील कुमार शिंदे पिछले 35 वर्षों के साथ जिसके साथ मित्रता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, चाहे किसी दल का हो, किसी जात का हो, कोई अंतर नहीं रखते। सियासतदान इस तरह से दोस्त होते हैं, ये तजुर्बा सिर्फ शिंदे साहब के साथ। वो कभी कोई सियासत की बात नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं, ना उनके चेहरे पर नजर आती, ना उनकी बातों में नजर आती, ना उनके व्यवहार में नजर आती। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चीज है जो मेरा ख्याल है आज के नौजवानों को भी सीखनी चाहिए। शिंदे साहब एक ऐसे देते हैं दूसरे के ख्याल को भी कि भाई मेरी ये ओपिनियन है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है और ये मेरी धारणा है, लेकिन ये कि दूसरे की धारणा अगर उससे अलग है तो उसे भी जगह देते हैं और सुन लेते हैं। सन 1968 में सोलापुर लोकसभा की जनरल सीट जीतकर शिंदे ने अपना परचम लहराया और सन 1999 में इसे पुनः बखूबी दोहराया तथा 2009 में पुनः आरक्षित सीट पर लोकसभा के लिए चुने गए। उसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के काल में आप दो बार कांग्रेस के महासचिव रहे और 14 राज्यों के प्रभारी भी रहे। भारत देश में प्रसिद्ध नई दिल्ली का 24 अकबर रोड यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दफ्तर सुशोभनीय बनाया। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव और प्रियंका गांधी के साथ प्रचार का जिम्मा दिया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। उस समय शिंदे जी के प्रभारी राज्यों में कई राज्यों में चुनाव थे, उसके नतीजे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आए। शिंदे जी के नेतृत्व में जो टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी का नतीजा है ऐसा जनार्दन पुजारी प्रभारी AICC ने शिंदे जी के निरोप समारंभ में ये कबूल किया, जो बड़ा महत्व रखता है। वक्त ने एक बार फिर करवट बदली और सोनिया गांधी के कहने पर 2002 में उपराष्ट्रपति पद के लिए इन्हें नामांकित किया, पर ये दस्तक मात्र थी, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 18 जनवरी 2003 की सुहानी सुबह ने महाराष्ट्र राज्य को वो मुख्यमंत्री दिया जिसकी दरकार उसे दो दशकों से थी। आखिरकार सुशील कुमार शिंदे को मिल ही गया मुख्यमंत्री पद का ताज। इंदिरा गांधी जी का वो सपना भी साकार हुआ जब उन्होंने महाराष्ट्र को दलित मुख्यमंत्री देने का सपना देखा था। इंडिया टुडे ने अपने सर्वे में 3 महीनों में ही शिंदे को सर्वोत्तम मुख्यमंत्री भी घोषित किया। अभी शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता ने 18 महीने ही व्यतीत किए थे कि 21 मई सन 2004 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की संयुक्त सरकार का गठन हुआ। आपके मुख्यमंत्रित्व काल में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर सरकार का गठन किया। फिर समय ने ऐसी करवट बदली कि मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो चुके शिंदे को 4 नवंबर 2004 में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण
संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। कांग्रेस हाई कमान के आदेश का पालन करके विधानसभा में चुनाव जीत कर आए शिंदे जी ने विधायक पद से इस्तीफा देकर आंध्र प्रदेश का राज्यपाल पद स्वीकारा। आंध्र प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा करने वाले माननीय ने प्रोटोकॉल को दरकिनार कर राजभवन के दरवाजे हर आम और खास के लिए हमेशा खुले रखे, चाहे वो ऑस्ट्रिया की प्रेसिडेंट डॉक्टर हिंग्स फिशर हो या कोई आम आदमी। He is the one and the only governor whose friendly touch with the public that converted Rajbhavan into Prajabhavan. सुनामी की मार झेल रहे प्रकाशम और गुंटूर जिले की आम जनता को राहत सामग्री बांटकर आपने यहां भी राजधर्म का पालन किया। गवर्नर बनने के बाद एक दिन शिंदे जी खूब रोए। वो किस्सा था कि बचपन में अक्सर बच्चों के साथ खेलते वक्त दगड़ू की हेकड़ी के कारण कहा सुनी हुई। हमेशा बात बहुत बढ़ जाती। जब एक दिन माँ को पता चला तो माँ ने डांट कर कहा, दगड़ू तू कहीं का गवर्नर है क्या, जैसे रुआब करता है। आज मैं गवर्नर बन गया हूं, लेकिन मेरी दोनों माताएं इसे देखने के लिए जीवित नहीं है। भाग्य कितने रंग बदलता है इसकी दास्तां शिंदे से ज्यादा कौन जानता है। जब शिंदे जी को अपने घर में एक बिजली का बल्ब लगाने के लिए भी सोचना पड़ता था, लेकिन वक्त ने उन्हें देश का ऊर्जा मंत्री बना दिया। उन्हें साल 2006 में पहली बार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पद दिया गया। जिसका परिणाम ये हुआ 2009 के सोलापुर लोकसभा सीट पर तकरीबन 99,632 मतों से विजयी होकर सुशील कुमार शिंदे ने साबित कर दिया कि पाक साफ दामन राजनीतिज्ञ की जगह आज भी लोगों के दिलों में राज करती है। जीवन में अटल गहराइयों से चलकर यश कीर्ति सम्मान स्वच्छ राजनीतिक छवि के शिखर को चूमने वाले सुशील कुमार शिंदे को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पुनः ऊर्जा मंत्री के पद से नवाजा। आय सुशील कुमार संभाजी राव शिंदे तथा देश को संदेश देने की कोशिश की कि चिराग तले अंधेरा हमेशा नहीं होता। आज भी इतने लंबे सफर करते आया, लेकिन मुझे कभी सुनाई नहीं दिया कि सुशील कुमार जी ने यहाँ पर करप्शन किया या इनसे कोई पैसा मांगा, मुझे तो नहीं समझ में आया। तो ये एक संस्कार की बात है। तीसरी बात यह है, युवकों ने सोचना है, हर युवकों ने जीवन में ध्येयवादी बनो। सुशील कुमार जी के जीवन में क्या है दिखाई देता है, ध्येयवाद। कितने मुसीबत आए परवाह नहीं। गवर्नर बनने के बाद पुनः सक्रिय राजनीति के केंद्रीय मंत्री बनने की मिसाल भारत की राजनीति में बहुत ही कम देखने को मिलती है। एक बार भीमराव अंबेडकर ने कुछ समय के लिए ऊर्जा मंत्रालय विभाग संभाला था। उस समय उन्होंने कहा था कि भारत में सैकड़ों नदियां हैं और इनसे ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, हमें और ऊर्जा के भी सार्थक उपाय करने होंगे। वही लक्ष्य शिंदे जी ने इन 7 सालों में कर दिखाया, जिसे नकारा नहीं जा सकता। हम युवाओं के लिए प्रेरणा स्थान इसलिए है शिंदे साहब कि पार्टी के एक सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया। उन्होंने कभी कहा नहीं कि मुझे यही पद चाहिए और मुझे ये पद नहीं चाहिए। पार्टी ने कहा आंध्र के राज्यपाल के रूप में आप जाइए, वो आंध्र के राज्यपाल के रूप में गए। जब पावर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी, देश में पावर डिपार्टमेंट का जिस प्रकार से पावर शॉर्टेज था, पावर सेक्टर में बहुत बड़ा उपलब्धि शिंदे साहब की रही और पावर जनरेशन में जो काम उनकी लीडरशिप में हुआ, उनकी विजन से हुआ, मुझे लगता है एक बड़ा काम इस देश के इतिहास में वो हुआ है। शिंदे काका कि जैसे नेता कभी कभी मुश्किल से दिखता है, क्योंकि ये एक ऐसा नेता है जो मैंने मुख्यमंत्री था तब देखा था, जब अभी लीडर ऑफ द हाउस बने तब भी देख रहा हूँ, और उन्होंने अपनी विनम्रता कभी छोड़ी नहीं। मुझे लगता है ये काफ़ी एक बड़ा गुण है और जो आज की युवा पीढ़ी है उन्होंने ये अपनाना ज़रूरी है।
अपने काल में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का सफल क्रियान्वयन कर बीपीएल के करीब 1,00,000 परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर भारत निर्माण योजना को सफल आयाम दिए। In one year, this country has produced 9,585 megawatt. This never happened during last 60 years. Which year, sir? Last year. This last year. And this year I will give 15,000 megawatt. अपने राजनीतिक जीवन में 16 बार महाराष्ट्र सूबे में मंत्री और अभी तक 2 बार केंद्रीय मंत्री पद पर सुशोभित शिंदे जी का राजनीतिक सफर जारी है। लेकिन इसके अलावा एक और व्यक्तित्व है सुशील कुमार शिंदे का। दल बदलू छवि से दूर सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस और गांधी परिवार के प्रति प्रारंभ से ही निष्ठावान रहे हैं और जीवन पर्यंत रहेंगे। यही कारण है कि आज सुशील कुमार शिंदे बुलंदियों पर हैं। युवा पीढ़ी होने के नाते उन्होंने जिस तरह से काम किया वहाँ पर कांग्रेस के अंदर, पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, फिर देश के उसके वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बने, शरद पवार जैसे नेता के साथ काम किया और उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, परंतु निष्ठा से काम किया, लॉयल्टी से काम किया, ईमानदारी से काम किया। यानी कि शिंदे जी का जीवन जो है एक स्ट्रगल का जीवन है। बिजली के खंभे के नीचे सड़क के ऊपर पढ़ना, ये एक अपने आप में उनकी कहानी बताता है। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम ने अपने संदेश में लिखा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि श्री शिंदे के जीवन और उनके अनुभवों से युवाओं को सकारात्मक दिशा प्राप्त होगी। कुशल राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, आज्ञाकारी पुत्र, कर्मठ अधिकारी, देशभक्त शिंदे ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी धाक जमाई। अंतर्राष्ट्रीय मंच से अपने देश की आवाज सारी दुनिया तक पहुंचाने वाले शिंदे हमेशा जमीन से जुड़े रहे और देश की जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने को सदैव तत्पर रहते हैं। पेड़ के नीचे बैठकर एक साधारण मानव की तरह मोटी मोटी रोटी खाने से भी परहेज नहीं करते हैं। तो दूसरी ओर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ रात्रि भोज में सम्मिलित होकर अतिथि देवो भव का अर्थ चरितार्थ करते नजर आते हैं शिंदे जी। सरकारी घर को अपना घर जैसा सजाने वाले और अब तक 11 सरकारी आशियानों में अपना जीवन व्यतीत करने वाले शिंदे अंधविश्वासों को हमेशा दरकिनार करते रहे, मगर दकियानूसी अंधविश्वास ने कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। चाहे मुंबई हो या आंध्र प्रदेश का राजभवन या फिर दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्यालय में बैठने को लेकर उठाए संतों महंतों के प्रश्न हो, आपने अपनी सोच के अनुरूप ही अपना कदम उठाया। साहित्य में रुचि रखने वाले शिंदे ने सोलापुर जिले के बारशी बहर में स्वयं लोगों से पैसा इकट्ठा कर अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया, जिसके वे स्वागताध्यक्ष बने। मराठी नाट्य सम्मेलन और उर्दू साहित्य सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष पर कई बार आसीन रहे। आपने अपने व्यस्त राजनीतिक सफर में से समय निकालकर पुस्तकें भी लिखी, जिनमें कहानी विदेश यात्राओं की और विचार मंथन काफी चर्चित रहे। उनके अब तक के कार्यकाल में शिंदे जी ने 11 सरकारी घर बदले। उसमें स्थानांतरण के वक्त घर के सामान में ज्यादातर सामान किताबें ही रहती थी। शिंदे जी अपने भाषणों में हमेशा कहा करते थे कि हर मकान में एक छोटा सा किताबों का पुस्तकालय होना चाहिए। आपको देश के 3 विश्वविद्यालयों ने PhD की मानद उपाधि से नवाजा और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनने के बाद आम नागरिकों के मनोभाव समझाने के लिए टीचर लगाकर तेलुगु भाषा तक सीखी। साहित्यिक हस्तियों, कवि, उर्दू शायर, लेखकों के साथ रहना उनकी आदत में शुमार है। प्यास बुझाने और गर्मी से राहत पाने के लिए स्नान को तत्पर युवा शिंदे को तत्कालीन समाज की कुटिल मानसिकता ने आहत कर दिया, क्योंकि एक दलित युवा ने सवर्णों के कुएं को अपवित्र कर दिया था। रक्त विरक्त नहीं होता और आस्था जाति धर्म नहीं पहचानती, इसका उदाहरण इस मंच से इतर हो ही नहीं सकता। डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने एक सपना देखा था, यहाँ के गरीब से गरीब व्यक्ति भी सशक्त हो जाए, प्रजातंत्र में उनको स्थान मान
मिले और उनका सपना जो है श्री सुशील कुमार शिंदे के जीवन में पूरा होता हुआ हम देखते हैं। इनका सरल सहज स्वभाव और प्रसन्नचित, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्नता, इससे उन्होंने सभी जाति धर्म और वर्ग के लोगों को साथ लेके चले और कई भेदभाव ना करते हुए उन्होंने सबको साथ लेके चलने की एक प्रेरणा दी है। इनका जीवन हमारे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी है ताकि ये गरीब से गरीब परिवार से भी आप देश के गृहमंत्री तक आप पहुंच सकते हो। शिंदे साहब और हम जिस समाज से आए हुए हैं, पूर्व अस्पृश्य समाज से, अच्युत समाज से, अस्पृश्य समाज से आए हुए हैं और हम जो कुछ यहाँ बने कुछ करें उसका सब श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर जी को जाता है। वैसे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में रहने के बाद भी सुशील जी जो कुछ वहाँ रहकर जो झुंझारूपन दिखाकर जो लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो तो बहुत अनोखा ऐसा मुझे लगता है। जो गरीब नवाज का मिशन को उन्होंने कामयाब बनाया, वो गरीब नवाज का मिशन यही था कि हर जात हर मजहब मिल्लत के लोग यहाँ पर इस खानकाहों में आते हैं, सूफी संतों की जितनी भी खानकाह हैं वहाँ पर तमाम मजहब मिल्लत के लोग हाजिर देते हैं। उसमें से बिलखसूस हमारे सुशील कुमार शिंदे जी यहाँ बड़ी अकीदत मोहब्बत से बार बार कहने मुझे बुलाया। कभी सामाजिक कुरीतियों के शिकार हुए सुशील कुमार शिंदे को आज सभी धर्मों के धर्म गुरुओं का आशीर्वाद मिला हुआ है। फिर चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी हो या कांची काम कोटिपीठम के श्री जयेंद्र सरस्वती हो, मुरारजी बापू पादरी, मुल्ला मौलवी या फिर दलाई लामा, हर एक के साथ नम्रता पूर्वक दिखाई देते हैं। ये देश से भी है और हम ये देखते हैं बड़े बड़े नेता हैं जिनके ऊपर दाग लग गया, इनके ऊपर दाग नहीं लगा, ये बराबर अच्छे काम करते हैं और आज यहाँ पर आए। इनके हृदय में इतने बड़े होते हुए भी नम्रता है, श्रद्धा है, इससे संतोष होता है। सभी धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। शिंदे जी की कहानी को अगर जो नेता आके फॉलो करेंगे, अपनी जात को अलग रख देंगे तो वो ज़रूर तरक्की कर सकते हैं। ये अपने आप में एक केस स्टडी है शिव शिंदे की, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए भी, IIM के लिए भी, हार्वर्ड के लिए भी, बाकी यूनिवर्सिटी के लिए। किसी भी व्यक्तित्व को कम शब्दों में समेट पाना सरल नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए सुशील कुमार शिंदे जी ने अपनी पहचान अजात शत्रु सरीखी बनाई। सन 2003 में विदर्भ क्षेत्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों को कृत्रिम वर्षा से राहत दिलाने वाले आप महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र सूबे में मुख्यमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखते हुए 60 वर्षों से उपेक्षित रही 26 जातियों को आरक्षण देकर उनका उद्धार ही नहीं किया बल्कि एक मानवता का उदाहरण कायम किया, जनरल बजट में स्थान दिया व उन्हें समाज के मुख्य प्रवाह में लेके आए, तो ऐसे मुख्यमंत्री को आखिर कौन भूल सकता है। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के परिसर में हुए बम धमाके के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ संदेश का साहस दिखाने वाले शिंदे ने सभी के दिलों में आत्मविश्वास का संचार किया। जो गुनहगार है उनको मैं ठीक तरह से उनका रास्ता बताऊंगा। अपने मुख्यमंत्रीत्व काल में सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों के बिजली के बिल माफ किए और पशुओं को निशुल्क छावनी और चारा भी उपलब्ध करवाया, विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा जैसी अनूठी योजना, ये सब महाराष्ट्र में पहली बार आपकी ही देन है। अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सोलापुर के करीब 2000 वर्ष पुराने इतिहास की गरिमा को बनाए रखते हुए उसे आधुनिक काल की सभी सुविधाओं से सराबोर कर दिया है। मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, पेयजल योजना, आधुनिक अस्पताल, रेलवे, नाट्य गृह, अंतरिम रोड, पंढरपुर अक्कलकोट में धार्मिक आस्था के स्थान पर अनेक जन सुविधाएं मुहैया करवाई तथा
सोलापुर का दैवत्य माने जाने वाले सिद्धि रामेश्वर मंदिर का कायाकल्प कर सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया भी करवाएं। पहली बार महाराष्ट्र के सोलापुर और नागपुर शहर में एनटीपीसी को शुरू करवाने में आपकी अहम भूमिका है। शायद भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि फेल विद्यार्थी का सम्मेलन शिरडी में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि थे सुशील कुमार शिंदे। अपने अध्यक्षीय भाषण में शिंदे साहब ने कहा कि आज मैं आपके सामने उदाहरण हूं, क्योंकि मैं भी 10वीं कक्षा में 3 बार फेल हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं ही क्यों, गुलजार साहब, राज कपूर साहब, महात्मा गांधी, लेनिन, यशवंत राव चव्हाण, विल्सन स्पेंसर चर्चिल, लोकमान्य तिलक ने भी ऐसा दौर देखा। ये लोग भी अपने शैशव काल में फेल हो गए थे, लेकिन अथक प्रयासों से ये सारी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना पाए। भारतीय राजनीति में दुर्गा के समान माने जाने वाली स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लैटिन भाषा के विषय में फेल हुई, लेकिन उन्होंने अपना मनोबल गिरने नहीं दिया। शायद यही कारण है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की मजबूत राजनीति के कहे जाने वाली हस्तियों में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम आदर के साथ लिया जाता है। तो युवकों ने सुशील कुमार जी शिंदे साहब का यह आदर्श, क्या आदर्श है, एक सामान्य घर में जन्म लिया, 10 रुपये महीना के पगार पर नौकरी करने वाला आदमी, स्कूल पढ़ते पढ़ते 3 बार फेल हो गया, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तो ये बात युवकों ने सोचना है। मैं कभी कभी बड़ा फील हो जाता है, मुझे 10 क्लास एसएससी में फेल हो गया इसलिए आत्महत्या करते, अरे ये उदाहरण है ना, एक बार फेल हो गया तो आत्महत्या करके क्या मिलेगा। हम प्रयास करना चाहिए। ये सुशील कुमार शिंदे जी के जीवन में जो दिखाई देता कि 3 बार फेल हो गए, हिम्मत नहीं हारी। अंदर की एनर्जी किस तरह जमा की जाती है और अंदर की एनर्जी से किस तरह ताकत ली जाती है, किस तरह वो इरादा कर लेना, वो प्रण कर लेना, वो कैसे आपको मजबूत करता है, जहां हर एक फेलियर कामयाबी हो जाती है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दूसरी बार आपको ऊर्जा मंत्रालय का दायित्व दिया गया, क्योंकि शायद शिंदे को ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर जो बनाना था। स्वच्छ छवि का मेहनताना शिंदे को उस समय मिला जब लोकसभा में तत्कालीन वित्त मंत्री और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आपकी प्रशंसा में कसीदे पढ़े। I congratulate my colleague, power minister, because more than often I used to criticize him that your projects are going through and he has correctly responded. और लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने ऊर्जा मंत्री शिंदे की सफलता का संदेश सारे देश को दिया। मिसाल के तौर पर 11वीं योजना में बिजली उत्पादन में जो क्षमता बढ़ जुड़ेगी वो 10वीं योजना की तुलना में दुगनी है। हम 12वीं योजना में बुनियादी ढांचे में निवेश को और तेज करेंगे। अपने 7 साल के ऊर्जा मंत्रित्व काल में देश के ऊर्जा उत्पाद क्षमता में 4 गुना वृद्धि की। भारत सरकार की ओर देश विदेश के लिए जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में सुशील कुमार शिंदे हमेशा सम्मिलित रहे, फिर चाहे वो सत्ता में रहे हो या विपक्ष में। शिंदे जी में इतनी बड़ी खूबी है कि वे अपने दुश्मन को भी अपनी एक मुस्कुराहट से अपना बना लेते हैं। लीडर के अंदर एक जो कुशलता होनी चाहिए, जो अपने लोगों को साथ लेकर के चलने की बात होनी चाहिए, जो सहनशीलता होनी चाहिए, जो दूसरे के सुनने की एक कैपेसिटी होनी चाहिए, वो सब गुण एक ऐसे नेता के अंदर हैं जिसका नाम है सुशील कुमार शिंदे। समय समय पर संसदीय क्षेत्रों की पुनः संरचना पर आपने लोकसभा में सक्रिय भूमिका अदा की। ये सदन सबका सदन है और इसी के लिए मैं अभी भी कहूँगा कि हम इस तरह का संदेश दे दें इस देश में कि हम सब चाहते हैं
कि शांति से इस देश में सभी धर्म के जाति के लोग रह जाए और भारत का नाम विश्व में ऊंचा कर सके। यही प्रार्थना हम करते हैं। संसद के प्रतिष्ठित सम्मान सिटीजन अवार्ड से भी आपको नवाजा। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे के जीवन में एक और बदलाव उस समय आया जब उनकी जरूरत देश के एक महत्वपूर्ण मंत्रालय को थी। आज सुशील कुमार शिंदे केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में देश को नई दिशा देने के लिए तत्पर हैं। एक सब इंस्पेक्टर आज देश का गृह मंत्री बन गया है। द लाइफ स्टोरी ऑफ श्री सुशील कुमार शिंदे वुड एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन to all those who are placed in a disadvantaged position. केंद्रीय गृह मंत्री के बाद आपने देश के विभिन्न बॉर्डर इलाकों का दौरा करके वहां के नागरिकों का दुख दर्द समझने और उनकी समस्याओं का निपटारा करने की पहल की। अपने गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले सशस्त्र बलों के जवानों और अधिकारियों का हौसला बढ़ाने और उनकी कार्य प्रणाली की गंभीरता को समझने के साथ आपने उनके साथ कुछ यादगार पल भी गुजारे। आप महाराष्ट्र के पहले सांसद हैं जिन्हें लीडर ऑफ द हाउस बनने का गौरव मिला। इस मौके पर स्वर्गीय सुरेश भट्ट ने आप पर लिखी पंक्तियां सारगर्भित हैं। आपके पास तो मुझे टालने के लाखों बहाने थे, पर मेरे पास तो आपके लिए सिर्फ तराने ही थे। मुझे दया आई उन पर जो मुझ पे हंस पड़े थे, हंसते हुए भी वो मायूसी में छाए थे। चक्की के आरे जरा ये तो बता मेरी जात क्या है, तूने पीस के बना दिया आटा वो कौन से दाने थे। सबसे छोटी बेटी प्रणीति महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक के रूप में अपने पिता के आदर्शों को नए मायने देने में संलग्न है। जन्मदिन मनाने की परंपरा को अमीरों का चोचला मानने वाले शिंदे अपने जन्मदिन पर कभी भी अपने घर नहीं रहते, मगर संयोग से वर्ष 2011 में 4 सितंबर को गणेश स्थापना का पर्व था, जो पारिवारिक संस्कारों को निभाने की खातिर सोलापुर के घर पर रहना उनकी मजबूरी थी। उसी दिन कभी उनको 10 रुपए की नौकरी देने वाले सोनू बाई आवटे परिवार की लड़कियां, जिनको शिंदे जी संभालने का काम करते थे, बीना और बेबी ने उन्हें ये बिना बताए कि आपके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया है, उन्हें आमंत्रित किया। अपने बचपन के साथियों को वहां देखकर आप बेहद खुश हुए और उस भीड़ में भी शिंदे जी ने अपने स्कूल के गुरु जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने में जरा भी देरी नहीं की। विडंबनाओं के पैर नहीं होते और मुसीबतें कह के नहीं आती, संवेदनाओं का कोई साक्षी नहीं होता और आंसुओं को कोई पूछने नहीं आता, लेकिन जब इंसान अपनी इच्छा शक्ति को बलवान बना लेता है तो सांसारिक वस्तुएं उसके सामने बौनी हो जाती हैं और व्यक्तित्व हो जाता है प्रदीप्त। ऐसे ही प्रदीप्त व्यक्तित्व के स्वामी सुशील कुमार जी शिंदे ने जो उदाहरण सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है वो न केवल अद्वितीय है बल्कि अनुकरणीय भी है। गांधी जी का हमारे रोम रोम में संदेश है, सत्ता हमारे लिए थोड़े दिन की प्यारी होती है, लेकिन जीवन भर के लिए सेवा का कर्म हमारा धर्म होता है, यही हमारी निशा होती है। राजकारण में जाने क्या दोष है, ये तो आदर्श शिंदे साहब ने दिखाया कि राजकारण राजनीति में जाओ लेकिन जनता की देश की सेवा करो। सुशील कुमार जी के जीवन में पहले संस्कार वो हो गए, माँ के संस्कार। पिता का सहवास इतना नहीं मिला उनको, लेकिन माँ के संस्कार जो उनके ऊपर हुए तो ये एक संस्कार की बात है। जीवन संगनी अगर संस्कारी हो तो पुरुष को कोई भी कठिन राह विचलित नहीं कर सकती। ब्राह्मण पुत्री ने शिंदे की अर्धांगिनी बनकर निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी का हाथ होता है। अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए पग पग पर उनका साथ दिया छाया बनकर। हजारों साल पहले अर्जुन को शिक्षा देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, विकार रहित है,
जितेंद्रिय है, मिट्टी पत्थर उसके लिए स्वर्ण समान है, वो योगी है, इंसान के चोले में परम आत्मा है। इस संसार में जिसने भी सफलता का शिखर चूमा है उनमें कुछ विशेष गुण देखे गए हैं। ये लोग ईमानदार, नैतिक मूल्यों, सकारात्मक विचारधारा वाले, चरित्रवान होते हैं। संकल्प के धनी और मजबूत इरादों वाले सुशील कुमार शिंदे संयमित, अनुशासित, आत्मविश्वासी, विनम्र, नेक, चुंबकीय आकर्षण, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के धनी, अपनी धुन के पक्के तथा स्पष्टवादी, साहित्य, संगीत, कला, गायन वादन में रुचि रखने वाले हैं। महान लेखक शेक्सपियर ने लिखा है कि कुछ व्यक्ति महापुरुष पैदा होते हैं, कुछ प्रयत्न व परिश्रम से महान बनते हैं, परंतु ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि सुशील कुमार शिंदे अपने प्रयत्न, परिश्रम और लगन से महान बने हैं और समाज के असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। समलोष्ट अश्म कांचनः।